नमस्कार दोस्तों, WP एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की वेबसाइट को। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि कौन से लिंक यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल हैं, स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हैं, टीचर्स के लिए यूज़फुल हैं और कॉलेज के लिए यूज़फुल हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिए जिसमें आपको पूरी जानकारी मिले। सो मैं आपको शुरुआत से स्टार्टिंग से एंड तक पूरी यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्या क्या जानकारी कहां कहां पे आपको मिलेगी उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो शुरू करते हैं। तो जो URL है, जो ऑफिशियल URL है यूनिवर्सिटी का, वो है dbrau.org.in। इसको अपने आप URL पे डालेंगे, इसको डोमेन भी कहते हैं। अगर आप उसको डालेंगे तो ये एक आपको वेबसाइट आपको उनके सामने आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ऑनरेबल चांसलर श्रीमती आनंदी बैन जी की फ़ोटो लगी हुई है और नीचे जो है प्रोफेसर अशोक मित्तल जी, जो इस समय के करेंट वाइस चांसलर हैं आज 2020 के, उनकी फोटोग्राफ लगी हुई है। सो अब इस वीडियो के बारे में मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे कौन सा लिंक है और आप कहाँ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं या अगर यूज़ करना चाहते हैं वेबसाइट को तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़, ये जो इसका इंस्टीट्यूट का जो या जो यूनिवर्सिटी है उसको 90 ईयर्स हो चुके हैं। सो यहाँ पे ये देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ 90 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू टीचिंग एंड रिसर्च। एक्रेडिशन जो NAC का है वो B++ है। इसके बाद जो आगरा यूनिवर्सिटी जो है फ्रॉम इसका नाम जो आगरा यूनिवर्सिटी पड़ा है वो है आपका 24/09/1995 से UP गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, जो ये शासन आदेश संख्या लिखी हुई है। सो अब मेन्यू बार में इसके होम है, यूनिवर्सिटी और अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं, एकेडमिक एंड रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफॉर्मेशन है। तो मैं सबसे पहले होम पे हैं ऑलरेडी हम, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो ये आप ऑलरेडी होम पे हैं। सो बेसिकली ये आपका नोटिफिकेशन सेक्शन है। लेट सपोज न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष कवच कोविड ऐप, रजिस्ट्रेशन फॉर आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों मोबाइल ऐप हैं, तो वहाँ आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वाइस चांसलर जी का मैसेज है यहाँ पे, NSS का मैसेज है, बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ सेशंस हैं। सो लेफ्ट राइट हैंड साइड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये एक स्लाइडर है जिसपे जो करेंट अभी इवेंट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में इस समय उसके बारे में बताया गया है। फिर आपके यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स का सेक्शन है, जिसको मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं डिटेल में आगे शेयर करूँगा। यहाँ पे आपका जो रेगुलर नोटिसेज हैं वो यहाँ पे आती हैं, जैसे आपकी नो योर ओरिजिनल मार्कशीट सीरियल नंबर BEd की अभी यहाँ पे चल रही है, ई लर्निंग का कंटेंट है, फिर रिगार्डिंग अपील टू गार्ड अगेंस्ट एंड कंटेनमेंट ऑफ कोरोना वायरस का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आप स्टूडेंट हैं ये सारा जो क्वेश्चन है मिडिल में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं एक एक की चीज़ के बारे में अभी आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे कुछ अदर लिंक्स हैं, जैसे UGC गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, वुमेन असिस्टेंस एंड ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी के बारे में बताया गया है, फिर ग्रीवियंस रिडर्सल सेल के बारे में बताया गया है, एंटी रैगिंग कमेटी के बारे में बताया गया है, कमेटी फॉर SC ST स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ OMBS ड्यू MAN में। तो ये पूरा आपका डिटेल यहाँ पे शो करी गई है। सो अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हैं कि पोर्टल यहाँ पे आता है एकेडमिक एक्टिविटी, ये आपकी एकेडमिक एग्जामिनेशन एक्टिविटी को मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा जो है यहाँ पे डिटेल्स इसकी दी गई हैं, जैसे ऑनलाइन एफिलिएशन, अगर कोई कॉलेज नया एफिलिएशन करना चाहता है या कोई अपने पुराने एफिलिएशन को रिन्यू करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट्स आप कहाँ से 2012 से 2019 तक सारी जो डुप्लीकेट मार्कशीट्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है, एडमिशन का प्रोसेस यहाँ से बताया गया है, WRN जो नंबर है आपका, वेब रजिस्ट्रेशन जो है आपका सेशंस का यहाँ पे है, फिर आपका बैक एग्जामिनेशन का यहाँ पे सेक्शन है, ऑनलाइन हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर डिग्री के लिए आपको अप्लाई करना है, डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिया गया है,
फिर आपको फीस डिपॉजिट करना है, मिस्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल अपने एग्जाम मिस कर दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हो, फिर अपना एबसेंट या बैकअप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, सेंट्रल लाइब्रेरी की मेंबरशिप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, स्क्रूटनी आपके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, माइग्रेशन के लिए आप इधर जा सकते हो, स्कॉलरशिप हो गया आपका, फीस डिपॉजिट RW के लिए, फिर एड्रेस वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर चैलेंज इवेल्यूशन, प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म है, फिर री एग्जामिनेशन फॉर्म है और टीचर्स बोर्ड रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसके आप नीचे आते हो तो यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स हैं कि अगर डायरेक्ट फीस जमा करना चाहते हो, कुछ पेपर क्लिपिंग्स देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। एकेडमिक कैलेंडर के बारे में अगर आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लिक करिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि एकेडमिक कैलेंडर कैसे क्या क्या है और 2021 के लिए क्या एकेडमिक कैलेंडर चूज़ किया है यूनिवर्सिटी ने। फिर आप अपना एफिलिएटेड कॉलेज को देखना चाहते हो तो आप यहाँ जाके देख सकते हो कौन हो गए, और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं टिल डेट आपको देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कि कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज और हिंदी में क्या नाम है, किस सिटी में है, एडेड है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट कॉलेज है या RW कॉलेजेस हैं, ये आपको पूरी यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं फिर से वापस होम पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए बहुत सारे और लिंक्स हैं, जॉब्स के बारे में है, AQAC के बारे में है, नेट का है, टेंडर्स कौन कौन से चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद डाउनलोड सेक्शन है, इसमें काफ़ी आपको आर्काइव्स सेक्शन मिल जाएगा जिसमें क्या क्या अपॉइंटमेंट के टीचर्स का क्या है, 2018-19 की गैलरीज जो आपकी बनी हुई है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। फिर इसके बाद नीचे कुछ कैटेगरीज आती हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन विभाग है यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। 2011 का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ। फिर हम होम पेज पे आते हैं, आप मेन मेन्यू बार पे आते हैं, तो यहाँ मेन्यू बार में आपको यूनिवर्सिटीज़ और अथॉरिटीज़ के बारे में दिखेगा। सो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का, फिर VC जी का मैसेज, मिशन विजन क्या है, कम्युनिकेशन की क्या नोटिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अथॉरिटीज़ में आपको चांसलर, वाइस चांसलर मैंने आपको बता ही दिया, ऑफिसर्स अगर आपको देखने हैं तो ये सारे ऑफिसर्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे वाइस चांसलर, चांसलर के साथ वाइस चांसलर, फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और दूसरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर चीफ प्रॉक्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कुछ प्रॉक्टर्स हैं और चीफ प्रॉक्टर्स की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर AQAC की जो NAC की सर्टिफिकेशन के लिए होता है वो उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे, फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो टीचर्स के लिए हैं, एम्प्लॉयर के लिए हैं, पेरेंट्स के लिए हैं और स्टूडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की डिटेल है, एकेडमिक काउंसिल की डिटेल है, एग्जामिनेशन कमेटी की डिटेल है, फीस कमेटी की डिटेल है, RW एडमिशन कमेटी की डिटेल है, सेंट्रल एडमिशन कमेटी की डिटेल है, नेशनल सर्विस स्कीम की डिटेल पूरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, डिसिप्लिनरी कमेटी। तो अगर आपको इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टैब के लिए आपको चाहिए कि मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर इसको कमेंट्स में डालिएगा, तो ज़रूर हम आपको उसको कैटर करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के उसके बारे में एक कम्प्लीट ब्रीफ आपको मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर एकेडमिक्स एंड रिसर्च सेक्शन में आप एकेडमिक्स, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम, सिलेबस, एकेडमिक कैलेंडर, स्कॉलरशिप, ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। रिसर्च हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी, अनफेयर मीन्स में जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्टेडियम्स, पार्क, अगर इसके भी ऊपर भी आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा।
फिर अदर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे अनाउंसमेंट टेंडर जो मैंने आपको होम पेज पर बताया वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो ये एक बेसिक जिस्ट है इस पूरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का, जो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए आप देख रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आप चूज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं सो आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई प्रोसेस में दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो अगर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को कवर करें। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।